अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं और दुआ गो अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहुत प्यारी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि नाम के स्टूडेंट्स को बेताबी से इंतज़ार है अपने नतज का। दहम के नतज तो आ गए और कुछ बच्चे बहुत खुश हैं, कुछ डिप्रेस भी हैं, लेकिन वो नाकाम हो गया तो कोई बात नहीं, वो ट्राई करेंगे, सेकेंड एनुअल में पास हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे नाइन्थ के रिजल्ट की। जबकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि सब तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। उसके बाद मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है बेटा जी, आप अगर आप टेंथ में चल रहे हो तो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाए, जिसकी 400 फीस है और हम इसमें आपको बेशुमार बेनिफिट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। जो नाइन्थ में थे उन्हें बेहतर पता है। उसके अलावा हमारा ग्रुप जो है उसमें ऐड होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जब हमारा मैट्रिक मुकम्मल हो जाता है तो एक कैश प्राइज भी हमने रखा है, जो अभी थोड़ी देर तक अनाउंस करेंगे। और जो अब ग्रुप बनेगा जो 2026 में आई थिंक 25 में ख़त्म होगा, उसके लिए भी हम कैश प्राइज नाम अनाउंस करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आप सबके लिए बड़ी अच्छी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आपका रिजल्ट जो कि 22 अगस्त को अनाउंस होने जा रहा था, पंजाब की मुतफिका कमेटी के फैसले के मुताबिक अब ये रिजल्ट 9 अगस्त को बरोज जुमा इंशाल्लाह ताला सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी बेटर न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज एवरी स्टूडेंट वाज सो मच कंफ्यूज्ड अबाउट द रिजल्ट। आप मुझे कल एक स्टूडेंट मिला के था सर जी, वो इतनी जल्दी, तो मैं कहा पुत्र चंगी गल नहीं, जिरी टेंशन 22 तक चलनी सी, वो 9 नु खत्म हो जाएगी। देखिए रिजल्ट तो आना ही है सुनर लेटर, तो टाइम टाइम आ जाए, फ्रस्ट्रेशन खत्म, टेंशन खत्म, हम किसी और तरफ लग जाए। सो बताइएगा आप में से जिन बच्चों ने नाइन्थ के एग्जाम दिए हैं वो कितने नंबर ले सकेंगे, उन्हें कितने नंबर की एक्सपेक्टेशंस है, और वो भी जरूर अपने आप को मेंशन करें जो समझते हैं कि मुश्किल काम है, गड़बड़ है हमारे रिजल्ट के अंदर। बहरहाल चले कोई मसला नहीं है, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद है इंशाल्लाह सारे बच्चों को कामयाब करेगा। और दूसरी बात हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि पेपर चेक्ड है, सारे पेपर चेक्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, पेपर तो काफी अरसे के चेक्ड है। मैंने पिछले दिन वीडियो बनाई थी कि अगर रिजल्ट दहम का पीछे हुआ है तो डेफिनेटली नाइन्थ का भी होगा, लेकिन कंफर्म डेट सामने नहीं थी आई। काफी तारीखें सोशल मीडिया पर चल रही थी, 12 अगस्त, उसके बाद 19 अगस्त, उसके बाद 22 जुलाई। सो मैंने बोला था कि यार कन्फर्म नहीं है, बट मेरा ख्याल है 8-10 दिन पीछे आएगा। तो अब देख लें कि आई थिंक ये 12 दिन आई थिंक पीछे रिजल्ट आपका आ गया। सो बेटा जी पेपर सारे चेक्ड हो गए हैं, पेपर कैसे चेक हुए हैं मैं आपको क्या बताऊं, जो तुम्हें कीता है पुत्र वही पेपर चेक होना है। हमारे यहाँ स्टूडेंट समझता है कि पेपर गलत चेक होते हैं, नहीं बेटा तुम लिख रहे गलत हो। कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि बिग मिस्टेक्स जो हमारे स्टूडेंट्स को फेल करती हैं, वो वीडियो आप देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर कि कौन सी मिस्टेक्स है जो हम करते हैं। फिर सारा नजला हम कराते हैं अपने बोर्ड्स के टीचर्स को। पेपर जो आपके चेक हुए हैं बड़ी लीनियंट किस्म की उनकी मार्किंग हुई है, बड़ी आसान मार्किंग, कोई टफनेस नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कोई उसके अंदर सख्ती नहीं है कि ये वो नहीं। नॉर्मली पेपर हमेशा आसान चेक होते हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऑलरेडी 3 साल मैंने पेपर चेक किए हैं, 3 सीजन मैंने लगाए और बेटा मुझे पता है कि पेपर चेक कैसे होते हैं। हमारे यहाँ सफर यह है कि पेपर बड़े टफ चेक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर बहुत आसानी से आपके चेक होते हैं। माइक देख रहा था यार, मुझे डाउट हुआ शायद बंद हो गया है, ये ना मैं बोलता रहूं तो ठीक हो, सादी आवाज ही बंद हो गई, ठीक है। और रिजल्ट भी रेडी है ऑलमोस्ट, मैंने अभी परसों के दोस्त से पूछा है मगर यार नामिदा रिजल्ट क्यों नहीं देते, पे सारा कुछ मुकम्मल है, कहता रिजल्ट भी बन गया ऑलमोस्ट, पेपर भी चेक है, मैं फिर क्यों नहीं दे रहे, 22 अगस्त तक ही रोकना जी, कहना इन्होंने कहना अगे जाना 10वीं तो पढ़ते ही पे ने। मैं बात तो ठीक है, लेकिन कल ये अचानक फैसला आ गया है, चूंकि गेम चल रही थी तो कल पंजाब के तमाम 9 के 9 बोर्ड ने मुतफिका फैसला किया है कि अब स्टूडेंट्स को रिजल्ट थोड़े दिन पहले दिया जाए। तो पेपर सारे चेक्ड हैं, जो होना था वो हो चुका है। अब बात हम करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट बेटा नाइन्थ का इतना खासा अच्छा नहीं आता, मम्मा के साथ आपके लिए की डिसअपॉइंटिंग न्यूज है वो ये कि नाइन्थ का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता। उसके बेशुमार रीजन है, बेशुमार जो उसके वजूहत है जो मैं आपसे इंशाल्लाह फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी मैं यही बताना चाहूंगा कि जो हालात पेपर्स के हैं ना उनसे लगता नहीं है कि आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, बट होप फॉर द बेस्ट,
लेकिन अच्छा भी है, बड़े स्टूडेंट के बड़े अच्छे मार्क्स भी हैं, बड़े ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके माशाल्लाह 9 में से 9 ही सप्लियाँ होंगी। और सुनने में जो आ रहा है वो ये है कि मैक्सिमम 60% तक बच्चे पास होंगे, यानी 100 में से 60 एक बच्चे पास होंगे, 40 बच्चे ऑलमोस्ट फेल होंगे, मतलब कि 40% स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, एंड दैट इज़ वेरी पुअर रिजल्ट। 10th का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, 76% समथिंग है, एंड दैट इज़ अ गुड रेशियो, बट आई थिंक दैट विल नॉट बी इनफ। कम अज़ कम 90% हमारा स्टूडेंट जब पास होना, एक बार हुआ था कोरोना में जब सबको पास किया था, वो आई थिंक 98% बच्चे पास थे, और आम ऐसे भी बड़ों के बड़े बहन भाई ने कोरोना के डेज में मैट्रिक पास किया होगा। तो रिजल्ट बेटा जी 9th का इतना अच्छा नहीं आ रहा, इतना खास नहीं आ रहा, एंड दैट विल बी अ वेरी डिसअपॉइंटिंग न्यूज फॉर द स्टूडेंट, बिकॉज वी हैव टू शेयर। हमारा स्टूडेंट कहता है सर तुम डीमोटिवेट कर रहे हो, वो पुत्र किकरां दे अंब ते नहीं लगते, किकरां दे बूटे दे अंब ते नहीं लगते मेरा पुत्र, जो हकीकत है उसको मानो ना, जो ग्राउंड रियलिटीज है। मैट्रिक मैंने बताया था कि 80% तक रिजल्ट आएंगे, 75% से लेकर 80% तक, और 76% रिजल्ट आए हैं। तो 9th का भी सुनने में आ रहा है कि 60% तक स्टूडेंट्स पास होंगे, सो आप बताइएगा आप 60% में से हैं या 40% में से होंगे। हमारी दुआ है कि आप 60% वाले स्टूडेंट में शुमार हों। सो रिजल्ट कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे, इंशाल्लाह दूंगा उसको पता चलेगा आप लोगों ने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए थे। सो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर आप लोगों ने मेहनत की है, अपने अपने आप को एक एक लेवल पर रख के, एक ऑब्जेक्टिव में रख के मेहनत की है, तो आपको उसका समर जरूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो जितनी मेहनत करता है मैं उसको उतना नवाजता हूँ। तो आपके इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बशर्त कि आपने पढ़ा है। बाकी पेपर चेक दें, रिजल्ट बन गए हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं है, 9 अगस्त को सुबह 10:10 तक आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला उस दिन देख लेंगे कौन पास हुआ है, किसकी सप्लियाँ आई हैं, कौन मुतमिन है, कौन गैर मुतमिन है, कौन खुश है, कौन अफसरदा है। सो टाइम विल कम सून इंशाल्लाह ताला। तो यही एक अपडेटेड न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहिए। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो लास्ट में भी गुजारिश है कि हमारा ग्रुप ज़रूर आप ज्वाइन करें, आपको इसके बेशुमार फ़ायदे होंगे। 400 इसकी फ़ीस है, आप जल्दी से ऐड हो जाएँ। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का ख्वाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।